अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं बीनेश काज़मी आप सबका खैर मकदम करती हूँ आरएनए प्राइम टाइम के एक नए एपिसोड में। कल हमारी मुलाकात हमने आपकी करवाई डायरेक्टर टूरिज्म के साथ, और वो कुछ इलाकों में मुआयना करने के लिए गए और उन्हें बताया कि कश्मीर, जो कि वादी कश्मीर बहुत लोगों में फेमस है, जन्नते बेनजीर कहा जाता है इसको, और यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं डेवलपमेंट के लिए, खासूसी तौर पे अगर हम बात करते हैं तो टूरिज्म के हवाले से। आज जो हमारे मेहमान हैं, हम कल ही का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए उनको दावत देंगे स्क्रीन पे, सैयद बशारत बुखारी साहब, जो फॉर्मर लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, सीनियर पीपल्स कॉन्फ्रेंस लीडर भी हैं, एमएलसी और एमएलए भी हैं। आपका खैर मकदम है शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बशारत विनीत साहब, जी। एमएलए का मतलब है लोगों का नुमाइंदा, लोग आपको अपना चहेता मानते हैं, आपको अपना नुमाइंदा मानते हैं, और आपसे बहुत सारी तवक्कात रखी जाती हैं कि आप उनके लिए कुछ ऐसा करेंगे जो डेवलपमेंट के नजरिए से, उनकी मुश्किलात को हल करने के नजरिए से, या उनकी बात को आगे बढ़ाने के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज देने का एक माध्यम आपको बनाया जाता है। कल हमारे साथ डायरेक्टर टूरिज्म यहाँ पे जुड़े थे, हम उनसे बात कर रहे थे, वो हाजी सैयद मुराद रजी अल्लाह ताला अन्हो की जियारत पे गए थे, उनने पिलग्रिमेज टूरिज्म के हवाले से डेवलपमेंट की बात की कश्मीर की खसूसी तौर पे। तो क्योंकि आप जो हैं वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है सगरामा सेगमेंट बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहाँ पे आप तकरीबन 10 सालों तक एमएलए रहे और आप नौ साल बहुत लोगों नौ के, नौ नौ साल नौ साल साल तकरीबन, तभी हमने कहा 9 सालों तक आप एमएलए रहे हो और लोगों के हर दिल अजीज हैं आप। तो आपके नजरिए से जो ये एक टूरिज्म की तरफ से ये एक इनिशिएटिव लिया गया, क्योंकि बारामूला में सबसे ज्यादा फेमस गुलमर्ग भी लोग मानते हैं टूरिज्म के हवाले से, बट वहां पे बहुत सारी और भी जगहें हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था जो एक्सप्लोर्ड नहीं है। तो आपके नजरिए में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो अपॉर्चुनिटी देगी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप करवाने की? ये दो पहले आपका शुक्रिया बेनिश साहबा कि आपने मौका बख्शा बात करने का। आजकल तो बहुत कम मौका मिलता है बात करने का, लेकिन इसमें दो दो लेवल्स हैं इसकी। एक तो आप जनरल जो टूरिज्म आप कहते हैं पूरी जम्मू और कश्मीर का, एक वो है, या कश्मीर हम मान के चलते हैं। जी दूसरा हुआ कि आप संगमा असेंबली सेगमेंट के एतबार से कह रहे हैं, तो जैसे आपने हाजी सैयद मुराद बुखारी अलैहि रहमत की जियारत का जिक्र किया जो हमारे जद अमजद हैं, और उसके बाद वो पिलग्रिमेज टूरिज्म का आपने जिक्र किया, और कल जी ही आप बता रहे हैं कि डायरेक्टर टूरिज्म साहब वहां गए थे युत्तु जी गेतु साहब। जी तो अगर मैं संगमा कॉन्स्टिट्यूएंसी के एतबार से बात करूं तो ये जो टूरिज्म का सेक्टर है, अगर हम इसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसी के एतबार से कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे चीजें ऐसी होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर हो जाती है, जिनका दायरा बहुत वसी होता है। जी जैसे मिसाल के तौर पर जंगलात हैं, जब आप जंगलात का जिक्र करते हैं आप पीर पंचाल रीजन का जिक्र करते हैं, ठीक जी है, हमारा कुफवाड़ा में कहमिल रेंज है शायद, उसका अलग जिक्र करते हैं, ये चनाब का जिक्र करते हैं। तो ये जंगलात, पानी और टूरिज्म, पानी मींस जो नाले नदी बहते हैं या दरिया बहते हैं, ये सरहदे नहीं मानते हैं, नहीं ये कॉन्स्टिट्यूएंसी मानते हैं, नहीं ये ब्लॉक मानते हैं, नहीं ये तहसील मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं ये। हाँ, अब आप कैसे लिंक करते हैं, इंपॉर्टेंट इज दैट। हमारे लिए अल्लाह तला का कर्म है, बहुत बड़ा कर्म है उसका अल्लाह तला का हम सब पर कि हमारे हिस्से में गुलमर्ग आया है। तो इसीलिए जब मैं भी एमएलए बना, एमएलसी जब था तब तो हम ज्यादा मुदाखलत नहीं करते थे, हाँ जितना मुमकिन हो सका तरीके से किसी को तकलीफ दिए बगैर या किसी की इज्जत रेजी किए बगैर हमने काम किया, जी बराबर काम किया वो 5 साल। तो शायद उसी बुनियाद पे फिर जीत के भी आए, अल्लाह ताला ने करम किया, लोगों ने एतबार किया, फिर दोबारा भी जिताया लोगों ने। तो एज एमएलए जब मैं आया तो मैं सिर्फ टूरिज्म के हवाले से बात करूंगा, तो हमारे जो कंडी इलाका है हमारा है, हम भी वैसे समय कंडी है हमारा इलाका भी, जो क्रीरी जी वोतरगाम वागूरा या बारीपोरा साइड है,
इसे ऊपर ऊपर सारा कंडी माना जाता है। बोटपत्री से वुल्लर तक तकरीबन आपका हाँ बटपत्री, हाँ एरिया है एग्जैक्टली, आपने सही कहा। ये जी। कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, ये आपने बीच में याद दिलाया, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ये सबसे खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूएंसी, हालांकि लोग इसके खिलाफ बोलते हैं, अक्सर लोग इसके खिलाफ बातें करते हैं कि ये गलत कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन जिन्होंने बनाई है मुझे नहीं पता उनकी क्या नीयत रही होगी, अच्छी रही होगी, हम गलत क्यों कहेंगे, लेकिन ये बड़ी बड़ी खूबसूरत है क्योंकि ये निंगली नाले के दाएं और बाएं जानिब है, बराबर जो निंगली नाला है वो संगरमा हल्के इंतखाब से ही शुरू होता है, उसमें है अल पचर करके या बटपत्री करके, तो वहां से जब निंगली नाला निकलता है तो ये बराबर निंगली गांव जो है नीचे उलर के पास, वहां पे ये दरिया और उलर के साथ मिल जाता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी दाएं और बाएं जाने में बहुत खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो तो ये मैंने बराबर बना, नहीं तो है जब मैं एमएलए बना तो जी। अजीब सूरत हाल थी वहां पे, क्योंकि बहुत सारे डेड एंड्स थे, जैसे डेड एंड मींस कि जहां जिस गांव में सड़क गई उस गांव से सिर्फ वही एक रास्ता है, दूसरे दूसरे गांव तक वो सड़क जाती नहीं है, तो जो भी गांव डेड एंड में आता है जहां पे सड़क जाती है फिर आगे कहीं नहीं जाती है, वहां कोई नहीं जाता है, वहां सिर्फ वो लोग जाते हैं जिनको शाम को घर जाना हो। हमारे जी यहाँ जी बहुत सारे थे वहां पे, डंड मुआ था, सतरे सिरन तो हमने फिर मिला दिया, जैसे कंडी इलाके की बात करूंगा, बांडी बाला, नागबल, कोलेना से ऊपर कहीं नहीं, सारे डेड एंड्स थे, तो हमने उन पहले सब डेड एंड्स को मिला दिया, मेरे ख्याल से 5-7 सड़कें हमने बना के, और इसको हमने सरंज के जरिए, सरंज इलाका जो है जहां से ये पहाड़ से बाहर निकलता है नाला, निगली नाला, उसे सरंज कहते हैं, वहां बसी जी नहीं है लेकिन साथ साथ गाँव है उधर, सरंज पे बसी नहीं है, तो हमने उस सरंज को बाबा ऋषि से मिला के, क्योंकि इस इलाके का दारोमदार ज्यादा, वो तो है फ्रूट वगैरह है, बाकी चीजें भी है, कारोबार भी है, लेकिन ऊपरी इलाका जो सारा गुलमर्ग पे डिपेंडेंट है, कोई स्लेज वाले हैं, कोई घोड़े बान है, हमारे प्रेसिडेंट्स भी रह चुके हैं हमारे वहां, आज भी हैं शायद प्रेसिडेंट्स उसके, और उसके बाद जी जी टूरिस्ट गाइड्स भी हैं, दुकानदारी भी करते हैं, सब कुछ उनका दारोमदार उसी चीज पे है, तो ये मेरे जहन में खटका ये कि अगर इन सब का एतबार, इन सब का दारोमदार रोजगार का गुलमर्ग पे डिपेंडेंट है या बारिशी इलाके पे डिपेंडेंट है, तो इसके साथ तालमेल अच्छा रहना चाहिए हमारे इलाके का। उसके लिए सबसे पहले मैंने ये जो हमारा नागबल, सरांज, या आपका दर्दहाजन, या सत्र सीरन, या डनमो, इवन हमारा ककाउथल, शेखपुरा तक, ये सारा हमने रखा गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ, इन द सेंस के एग्जाम जो जीडीए का है वो इस पे काम करे, उससे हमारा तालमेल रहता है। उसके बाद में हमने उन कई बहुत सारे गांव को जीडीए के साथ डाल दिया, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से गुलमर्ग और बाबा ऋषि तक सारा इख्तिताम हो जाता था, उसके उसके बाहर टूरिस्ट आना आने का पॉसिबिलिटी नहीं था। हमने कोशिश जी की कि एज एमएलए जब मैं था, सरकार नहीं थी, मैं अपोजिशन में था, तो हमने कोशिश की एक इनको मिलाने की, इन इलाकों को गुलमर्ग के साथ बराह रास्त, दूसरा हमने फिर धीरे धीरे करके सरंज को डेवलप करना चाहा, सरंज को डेवलप करने की कोशिश की और कामयाब भी हुए बहुत हद तक जब हमने शुरुआत की, और सरकार हमारी बनी 2015 में, मुफ्ती साहब मरहूम, अल्लाह ताला मगफरत करे, वजीर आला बने, मैं लॉ जस्टिस पार्लियामेंट्री और रिलीफ रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर बना, तो मैंने मुफ्ती साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के टूर पे लिया। एक दिन पहले हम पटन गए, मौलाना अंसारी साहब, जो इमरान अंसारी साहब थे, उनके साथ कॉलेज वगैरह, उसके बाद हम संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी चले गए, तो एक गांव पड़ता ऊपर हम सुल्तानपुरा कंडी, तो हमने वहां चौपर उतारा और वहां पे हमने लोगों से बात की और जलसा किया, लेकिन उसके क्योंकि टूरिज्म मेरे जहन में था, बड़ा हावी था जबरदस्त, तो मैंने क्या किया, मैं एज एमएलए उस एक जगह हमारी है वहां पे नखपथरी, बांडी बाला पहाड़ है, तो हम वहां गए एक दिन जीडीए के जो और बाकी आर्किटेक्ट वगैरह सबको साथ लेके, तो मेरे जहन में एक बात बनी थी कि हम नखपत्री को एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो वहां से पूरा कश्मीर दिखता है आपका, सारा कश्मीर, तो मुफ्ती साहब से मैंने ऐलान करवाया वहां पे कि हम नखपत्री तक बांडीवाला से केबल कार लेंगे, 3 किलोमीटर शायद 2.5 किलोमीटर है, ऐलान करवा दिया मैंने। इसके लिए मैंने क्या किया, जब हम पट्टन से चौपर में बैठे तो मैंने पायलट से, गॉड ब्लेस हिम, बहुत अच्छे इंसान है वो, मैंने पायलट से कहा, मैंने कहा भाई साहब ऐसा करना, सीधा सुल्तानपुरा कंडी नहीं उतरना है, कहा फिर क्या करना है, मैंने कहा गुलमर्ग से मुड़ करके जाना, थोड़ा करू मार के जाना, कहा क्यों, मैंने कहा मुफ्ती साहब को एक जगह दिखानी है, तो मैंने चौपर से मुफ्ती साहब को नखपत्री दिखाई, मैंने कहा जनाब ये कह रहा अच्छी जगह है, मैंने कहा जनाब डेवलप करना है, फिर जाके हम सुल्तानपुरा पहुंचे, तो हमने उसका अनाउंसमेंट करवा दिया कि वहां पे
एक केबल कार बनेंगे, उसके इसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। उसके बाद हम वागुरा बतरगाम चले गए, फिर नीचे हम चले गए आपके निंगली तारजू चले गए, वहां भी हमने बात की। तो कोशिश हमने की, देखिए कोशिश कैसे हमने शुरू की, तो मैं इसी एरिया स्पेसिफिक है क्योंकि गुलमर्ग हमारे बगल में, अल्लाह तआला का करम है। तो हमने क्या किया, पहले सरंज को डेवलप करना चाहा, थोड़ा सा वहां पे रेस्टोरेंट एक बनवाया, हालांकि अभी उसके बाद सरकार गई तो वो ऐसे ही पड़ा है। एक हट बनवाई ऊपर बांडीबाला में, और व्यू पॉइंट बनवा दिया, सड़कें बनवा दी, और नीचे जो अपारा निंगली इलाका है, तारजू वगैरह, हाईगाम, हाईगाम में हमारे साथ अल्लाह तला के एक और कर्म है, वहां रख है, वहां पे बर्ड बर्ड्स आते हैं बाहर से, जो जी, माइग्रेटरी बर्ड्स जो हाईगाम आते हैं, बर्ड सैंक्चुअरी काफी बहुत बढ़िया, फेमस है। और जब आप ये हाईगाम निगली बहुत तारजू बहुत। बार बार रवानगी में बोल रहे हैं बशारत साहब, इसी से एक वो डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी कुछ बीच में सिलसिला आप लोगों ने हाँ शुरू किया था, वो फिर मैं कल बता रहा हूँ, जी उसके मैं बारे बता में रहा हूँ, भी। बता रहा हूँ। तो फिर हमने, मैंने जब मैं मिनिस्टर था तो मैंने हाईगाम निगली तारजू HNT एक डेवलपमेंट जी, अथॉरिटी बनवाई, क्योंकि ऊपर का इलाका हमारा गुलमर्ग के साथ अटैच हो गया, तो नीचे ये बनवाई। इसका पर्पस मेरा एक था, पर्पस ये था कि जो भी टूरिस्ट गुलमर्ग आता है, फिर बाबा ऋषि वगैरह तक आता है, फिर वापस वो उसी रास्ते श्रीनगर जाता है। ये बात जहन में बहुत खटकती थी, जबरदस्त खटेगी, हमारा इलाका उधर से क्यों नहीं वापस आएगा। तो जी फिर मैंने हाईगाम निगली ताजो अथॉरिटी, इसमें तीन चीजें रखवाई थी हमने, एक बर्ड वॉचिंग इन हाईगाम, क्योंकि आपके जितने भी बुजुर्ग आते टूरिस्ट, जो जिनका तजुर्बा होता है जिंदगी का, वो चाहते हैं कि बाद में यह परिंदों को भी दिखा जाए। दूसरा हमने जी रखा निंगली एंड हरितार में हमने रखा फिश एंगलिंग, के मछलियां पकड़ने, और उसका एक और भी सब पहलूज हैं उसके, कि उसमें क्या करना था हमें। जैसे हमें सोचा था एक पॉन्ड बनाएंगे, एक हब बनाएंगे फिशेस के लिए, जहां से सप्लाई होंगी, या कुछ फिश आइटम भी क्रिएट करेंगे वहां पे, थोड़ा पैसा देंगे लोगों को, वो पैकिंग करेंगे फिशेस का, ये भी एक प्रोजेक्ट था उसमें, एक जी एक जुमराई भी था। और निंगली में जहाँ आपका वुलर है, हमने सोचा था वहां पे हम करेंगे वाटर स्पोर्ट्स, क्योंकि जब कोई बच्चा गुलमर्ग पहुंचेगा, जब वो वहां बोर्ड देखेगा हाईगाम निंगली में वाटर स्पोर्ट्स है, वो माँ बाप को जिद करेगा कि नहीं उधर जाएंगे, और माँ बाप खुद जाके चाहेंगे कि देखेंगे वो बर्ड वॉचिंग करे, बर्ड वॉचिंग जी। करे। तो इस तरह से हमने ये कोशिश की थी कि वाया बाबा ऋषि वाया सरंज, जहां पे हमने ये टूरिस्ट डेवलपमेंट गुलमर्ग के साथ डाल दिया था, तो वहां से जाके ये हमारे इलाके, जैसे उसमें पड़ता है सुल्तान बोरा, बांडी बाला, निसर, उसमें पड़ता है डंडमोहा, कलांतरा बाला, कछवा मुकाम, आपका मनगाम, वाकूरा, शकवारा, इवन आपका सालू जी साहेल। तो हमने सोच रहे थे कि यहां से ही लोग नीचे आके हाईगाम निगली ताज पहुंचे, और वहां से भी हमारी नीयत साफ नहीं थी ज्यादा, वो ये था कि हमने सोचा कि जो वहां तक जाए और वापस श्रीनगर आना चाहिए बाय नेशनल हाईवे तो आ सकता है, उसके लिए हमने रेंजी में, जहाँ एक छोटी वाटर बॉडी है, आबगा है एक वहां पे, तो वहां पे हमने एक रेस्टोरेंट बनवाया पानी के अंदर, उसकी डिजाइनिंग में खुद शामिल था, वो लॉग्स पे बनाया हमने लकड़ी के, एक दो साल खराब रहा, शायद कल दोबारा से शुरू किया उन्होंने, जी, उनका बहुत कल बहुत कल वो शुक्रिया। बता रहे थे तो कि कल वहां पे उसको आके लोग रीलॉन्च थोड़ा सस्ता आ करके गए, स्टार्ट किया है। जी, जी। तो हमने सोचा वो टूरिस्ट वापस आके थोड़ा सस्ता के वहां पे चाय पानी पी के निकल जाएगा, लेकिन इसके साथ एक और हमारी नीयत खराबी कहूंगा वो ये थी कि वहां पे हमारी एक शेर कॉलोनी, वो सुपोर का हिस्सा है, वहां से निंगली से महाराजपुरा एक पुल बनना था, वो पड़ा ऐसे ही पड़ा है, बना नहीं, उसके बाद पुल बनना था जो महाराजपुरा सुपोर पहुंचता, और वहां से हमारा इरादा था कि जो बांडीपुरा वटलब का इलाका बहुत खूबसूरत है, आप जानते हैं, वटलब से जी लेकर फिर बांडीपुरा में अठवतु वगैरह बहुत सारे जगह हैं, वहां से टूरिस्ट जाके फिर गरूरा और फिर अजस से जाके वो मानसबल पहुंचे। तो ये हमने एक सर्किट का तस्वुर लिया था सरकार में, और इसको हमने PMDP जो प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज था उसमें डाल के रखा था, उसमें आपका सरस भी आ रहा था, उसमें आपका क्रीडी हाजी मुराद बुखारी अलैहिस्सलाम की जियारत भी थी, जिसपे हमने बहुत काम किया हुआ है, हालांकि और काम करना बाकी है, जिसमें फिर हमने जी हाईगाम निगली तारजू तारजू अथॉरिटी और फिर रेंजी, ये कोई ये चार जगहों के लिए कोई हमने, जहां तक मुझे याद है, को 18-19 करोड़ रुपए हमने इसमें मुख्तस रखे थे PMDP में। उसके बाद सरकार के जाने के बाद क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे इल्म नहीं है उसके बारे में। साथ ही साथ हमने क्या किया था, जब मैं MLA था तो मैंने एज MLA इस नीचे वाले इलाके को मैंने वुलर मॉनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ डाला हुआ था, बाद में वापस निकाल के अपनी बना दी, लेकिन उनके साथ रह के हमने दो प्रोजेक्ट्स लाए थे, 3 करोड़ रुपए का लाया था हमने निगली में, और
1.5 करोड़ का लाया था हमने वियर है गांव में, जहां पे आपका निगली नाला खत्म होता है और फिर फ्लड चैनल बन जाता है उसका। लेकिन बदकिस्मत ये है कि उसमें, और जो ये निगली में जो बनाना था उसमें बहुत खूबसूरत चीजें थी, उसमें जिम था, उसमें उसमें बच्चों के खेलने की चीजें थी, उसमें फिर वहां भी थोड़ा वाटर स्पोर्ट्स था, बहुत खूबसूरत था वो। लेकिन वो सैलाब की नजर सारा हो गया, उसमें जितना भी काम हो गया था वो सैलाब की नजर हो गया। वियर हैगाम में भी सैलाब की नजर हो गया। उसको भी हमने फिर रखवा दिया था कि पीएमडीपी में उसको दोबारा से काम करेंगे। उसके बारे में भी मुझे बाद में इल्म नहीं है कि उसका क्या हुआ, तो फिर हमने उसका अथॉरिटी बना दी। तो गरज ये था कि टूरिज्म तो ठीक है, लेकिन गरज ये था कि इकोनॉमी बढ़ जाए, लोगों का इकोनॉमी, क्योंकि रोजगार। डेवलपमेंट की हाँ बात है, टूरिज्म तो आएगा, मगर बेसिकली कंसर्न ये है कि हमारा इकोसिस्टम फ्लरिश करे, हमारी इकोनॉमी डेवलप हो, और यूथ जो आपको वोट एंड सपोर्ट कर रहा है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको रोजगार का जरिया मिले। आपने रेस्टोरेंट की बात बिल्कुल की, आपने स्पोर्ट्स, फिशरीज, एंगलिंग की बात की, तो वो भी एक जरिया आमदनी है। तो उसमें आपने बिल्कुल और क्या खसूसी किया? एक सवाल आया है यहाँ पे, आई डोंट नो ये सही है कि गलत है, फयाज अहमद चौपन साहब कह रहे हैं कि आपने कुछ फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी क्रीडी में लगाए हैं मगर अपर कांदी में नहीं लगा, कुछ ऐसा कुछ बोला गया। तो फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी जो आपने किए हैं तो वो भी तो एक सोर्स ऑफ इनकम अनएम्प्लॉयमेंट रहा होगा। नहीं, आज फिल्ट्रेशन प्लांट की बात नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि मैं ये जो आपका धागा है ये जी टूरिज्म का ये टूट जाए। मैं इनकी बात का भी जी जवाब दूंगा मैं। तो जी 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 वो इसलिए कि ये इतना ही नहीं था। जैसे अगर आपका, अगर आप कोशिश करते हैं कि आप सरंज में, आप या नीचे भाईगाम निगली में आप टूरिस्ट रिजॉर्ट्स बनाए या स्पॉट्स बनाए, इसके लिए अगर आपका टूरिस्ट गुलमर्ग से निगली जाना है या सरंज जाना है, उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि सड़कें आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा काम क्या हमने किया, हमने सड़कों की कुशादगी की, हमने अपने इलाके को पूरी तरह से गुलमर्ग टंगमर्ग के साथ मिलाया, सारी सड़कें बनाई और सड़कें कुशादा की, जहां 12 फुट मैगडम 18 और 24 कर दिया। इसी तरह हमने जो नीचे जैसे है, अगर आप, अगर टूरिस्ट आके आना चाहे वो सांझेदार से क्री से जा सकता है, आगे फिर वो छुरा वागो क्रांक्षोन से जा सकता है, या हाईगाम निगली हाई तारजू सड़क जो हम बना रहे थे, अभी पूरी नहीं हुई, वो 15 करोड़ रुपए की है, 24 फुट। उसका एक बड़ा पर्पज था टूरिज्म के हवाले से ही, वो ये था कि हमें इसे मिलाना था छानखंड पे सुपोर के साथ। पूरी सड़क बनी है छानखंड तक, और लेकिन छानखंड में कुछ दुकानें उठानी थी और शायद लैंड एक्विजिशन करना था, वो अभी तक सरकार ने नहीं किया। और मैंने सुना कि सीआरएफ में अब पैसा भी बंद हो गया, पैसा आ नहीं रहा उसमें। ये सीआरएफ में सड़क थी 15 करोड़ की। इसका पर्पज ये था कि एक सारा सोपोर से जब बाईपास हो जाएगा, तारजू आपका निंगली साइड से आ जाएगा बाईपास होके, तो वहां दुकानें खुलेंगी, वहां बहुत सारी चीजें हो जाएंगी और टूरिज्म के लिए भी आसानी हो जाएगी, लोगों को आना जाना। इसी तरह से हमने एक और बनाई थी, वो सड़क के बारे में बाद में बता दूंगा आपको मैं। कंडी इलाके में भी हमने क्या किया, वहां भी हमने सड़कें कुशादा की। और आप हैरान हो जाएंगी, जब मैं एक 17 सीरीन के लिए स्कीम बना रहा था जब मैं एमएलए था, तो मैंने उसमें इस तरह से स्कीम बनवाई कि जो सरंज एरिया है जहाँ पे कोई आबादी नहीं है पर्टिकुलर सरंज, तो मैंने उसके लिए भी स्कीम, उसको भी उसमें रखा प्रोविजन में, सरंज एरिया को। हालांकि सरंज से हमें तमाम इलाकों को पानी मिलता है, लेकिन वो पानी नीचे है तो ऊपर नहीं जा सकता है वो, तो ऊपर से जो नख हमने शायद लाई बटपत्री साइड से स्कीम, तो मुझे अपने एक साथी ने कहा कि सरंज में पानी को क्या करना है सरंज एरिया में। मैंने कहा जनाब काम आएगा। कहा किस लिए काम आएगा? मैंने कहा मेरा ख्याल है कि इसको हम टूरिस्ट रिजॉर्ट बना देंगे। जब हम बना देंगे उस वक्त 3 चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, एक आपको पानी की जरूरत पड़ेगी, आपको सड़क की जरूरत पड़ेगी और आपको बिजली की जरूरत पड़ेगी। बिजली के लिए हमने रिसीविंग स्टेशन लाया, मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले उसका टेंडर भी हो गया, लेकिन सरंज में बना नहीं पाया क्योंकि वहां पे जमीन खिसक जाती है। अब वो सुल्तानपुरा कंडी में बन रहा है उसमें से रिसीविंग स्टेशन। पर्पज ये है कि इस इलाके में बिजली रहे, ताकि अगर टूरिज्म भी शुरू करना हो, टूरिस्ट विलेजेस भी बनाने हो, जब टूरिज्म टूरिस्ट आएगा वहां बिजली होनी चाहिए। एक पानी के एतबार से मैंने अपने साथी से कहा, मैंने कहा जनाब आपको क्या पता आप जीत जाएंगे दोबारा इलेक्शन। मैंने कहा अल्लाह मालिक, अगर जीत गए या अगर सरकार आ गई, तो उस वक्त अगर मुझे इसको टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाना हो, उस वक्त मैं स्कीम कहां से लाऊंगा? सो मैंने पहले ही
सतनसीरन इलाके के लिए जो स्कीम लाई थी हमने, मैंने उसमें प्रोविजन पहले ही फ्रांस का रखा कि उसमें पीएमडीपी में हमने रखा था, उसमें हार्टमेंट्स रखे थे, वो कुछ दुकानें रखी थी, शॉप्स कुछ और रखा था, तो उस वक्त पानी उनको देना पड़े, मैंने स्कीम पहले बना के रखी। इसी तरह से ये सड़कें भी आ गई और बिजली का भी उसमें आ गया। तो पर्पज ये था कि एक पूरी कश्मीर का टूरिज्म जो सर्किट है, अगर ये श्रीनगर से पहलगाम से गुलमर्ग पहुंचता है, गुलमर्ग से ये संग्रामा खानाशंसी के सरंज इलाके से नीचे जाके आपका निगली तक पहुंचता है, और फिर अगर वो निगली से जाके उस पार जाके वटलब से भांडीपुर से अजय से सुंबल पहुंच जाते हैं, आप देखिए कि कितने इलाकों की बेहबूदी हो जाती। मैं एमएलए तो मैं था, एमएलए में संग्रामा का था, लेकिन इंसान सोचता सब है ना, जब आप जब असेंबली में बैठे थे आप हम। काफी कम अरसे के लिए मिनिस्टर भी रहे, तो ऑब्वियसली आपकी नजरिया और सोच बड़ी ही होगी और ओवरऑल स्टेट के लिए होगी, तो आपने सोचा तो होगा ही। उसके बारे में भी हमारी आवाम को, हमारी व्यूअर्स को बताइए कि आपने और भी कुछ अगर प्लान्स करे थे, आइडियाज थे पाइपलाइन में, वो अगर नहीं हो पाए तो किस वजूहत से नहीं हो पाए। बहुत देखिए, ये जो मैंने आपको मुफ्ती साहब का अनाउंसमेंट करवाई, मैंने केबल कार का, वो कोई 90 करोड़ का प्रोजेक्ट बना। उसके बाद वो जहां तक मेरी दानिश है, वो दिल्ली चला गया कोई एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए। हमारे टाइम में गया, वो वापस आया नहीं आया उसके बारे में कोई इल्म नहीं है। वो 90 करोड़ का प्रोजेक्ट था, और उस जमाने में हमने क्या किया था, एक और चीज हमने की थी कि सरकार जब हमारी थी, महबूबा जी थी शायद वजीर आला, तो हमने एक सड़कों का कुछ एक भारत माला एक प्रोजेक्ट बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसमें उनको सड़कों से मिलाना था इलाकों को। तो हमने उसमें दो प्रोजेक्ट किए थे, दो तीन शायद, मुझे दो का याद है। एक हमने किया था गुलमर्ग बाबा ऋषि से बारामूला तक, ये कोई इसका डीपीआर शायद 300 करोड़ बना था जो मुझे याद है, या जबानी था क्या था। तो उसका 150 करोड़ रुपए पिछले साल वो सड़क अप्रूव होके आई, पता नहीं मैं भारत माला ही नाम है या नहीं, मुझे उस बारे में इल्म नहीं है, क्योंकि मैं 1.25 साल तो मैं हाउस अरेस्ट भी था, फिर कोविड में थे। तो वो 150 के 151 करोड़ रुपए वो सेंक्शन होके आया, वो सड़क पे काम चल रहा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमने 300 करोड़ का भेजा था वो प्रोजेक्ट, क्योंकि उस दिन मैं मिनिस्टर था, हमारे साथ इमरान हजार अंसारी साहब भी थे, लेकिन चूंकि उनको इस एरिया के साथ लिंक नहीं है, डायरेक्ट लिंक, इसमें गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, और बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। तो जी इससे हमारा इंटरेस्ट था, क्योंकि गुलमर्ग में अब्बास साहब थे और बारामूला में जावेद बेग साहब थे, तो हमारा इंटरेस्ट था, हमने बड़ी मेहनत की इस सड़क पे, और फिर भेजा भी, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो 151 करोड़ शायद आके उस पर काम चल रहा है। एक और सड़क का प्रोजेक्ट बना था जो उड़ी को पुंछ से मिला था, हाजीपीर से, उसका क्या हुआ उसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है। तो सड़क, ये तो सड़कों का एतबार हुआ, और आपका केबल कार का दिल्ली गया था एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए, मालूम नहीं उसका क्या हुआ। तो मेरे हिसाब से जितना भी हमने सोचा था और जो हमने सही की थी, कोशिश की थी, या जो बुनियाद डाली थी, वो अभी पाए तकमील को बिल्कुल नहीं पहुंची, बिल्कुल ही नहीं पहुंची। ये मैं बता, इसमें कोई कोई मुझे कोई आर नहीं है बताने में, बिल्कुल नहीं पहुंची, क्योंकि हमारी सरकार गई और उसके बाद हालात बदल गए। अब इस सरकार जो चल रही है डायरेक्ट दिल्ली की, इनका भी कोई ना कोई कोई अपना अल्लाह अमल तो होगा। आपका शुक्रिया कि आज आपने मुझे सारी बातें याद दिला दी, मैं बहुत सारी बातें भूल गया था इसमें से, जी, लोग लेकिन मैं लोग आपको सुनना चाहते लेके हैं, हम हमारा फर्ज है कि आपसे सवाल पूछे जाएं, इसीलिए ये सब बातें याद आ रही हैं। मैं आपको वादा करता हूँ कि आज जो मुझे आपने याद दिला दिया, मैं इस सरकार से जरूर इस बारे में बात करूंगा और पूछूंगा कि भाई साहब जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे इनका क्या हुआ, ये कहाँ पहुंचे, क्योंकि बड़े प्रोसीजर्स थे। आपको अब यकीन नहीं करेंगे बेनिश साहिबा, कि हमारा एक इलाका है, हमने शेखपुरा से, कभी सड़कों पे अलग बात करेंगे, शेखपुरा ने मिला दिया इसको सलाम दीदार से, बाबा ऋषि मिला दिया। मैं सोचा था कि यहाँ पे ट्रैफिक सारा गुलमर्ग का इसी संग्रामा से जाना चाहिए, ताकि लोग दुकानें खोलें, चिप्स की दुकानें, चाय की दुकानें, या बाकी अखराजात जो घर वाले हैं ले जाते हैं, जहां भी आपको भी नजर पड़ती है मुझे भी पड़ती है कि कुछ चीज हो तो उठा के ले आते हैं घर। तो आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं मिनिस्टर था 2015 में शायद, मैं गया कंडी, तो मैं वहां से सलामदेदार से वापस आया। नल्लार एक इलाका है हमारा गांव, बहुत खूबसूरत है, टंगमर्ग के साथ जी आता है, टंगमर्ग से नीचे और मेरे जो हमारा संग्रामा का गांव है ककौथल से ऊपर,
मैंने लेफ्ट में देखा एक होटल होटल खुला हुआ है, वहां कुछ लोग चाय पी रहे थे, शायद कबाब भी खा रहे थे। मैंने एक ड्राइवर से कहा मैंने कहा गाड़ी रोको, उसने इतनी तेज गाड़ी रोकी कि हम नीचे गए थे, वहां नीचे खाई है। तो क्या खैरियत है? मैंने कहा नहीं थोड़ा पीछे ले जाओ। मैंने खिड़की खोली, उस होटल को देखता रहा, आंसू आ गए। 5 मिनट तक मैं दरवाजा बंद किया तो मेरे जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे और वो जो वायरलेस ऑपरेटर होते हैं, उन्हें पूछा आप क्यों आंसू आ गए? मैंने कहा नीचे बता दूंगा। शेखपुरा में एक फंक्शन था तो मैंने वहां तकरीर की, तो मैंने वहां उनको बोला, मैंने कहा आज मैंने अपने ख्वाब की ताबीर देखी। जी मेरा यही था कि यहाँ से ट्रैफिक हो, यहाँ से आवन जावन हो, उबरू मरूर हो, गुलमर्ग बाबा ऋषि लोग जाए, और अचानक किसी न किसी लड़के को या किसी शख्स को ख्याल आएगा कि उन्हें एक होटल खोला जाए। हालांकि मैंने उसको जी नहीं कहा होटल खोलने के लिए, वो कौन है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए कि उसको खुद ही ख्याल आया कि उसे आप भी कभी आ सकते हैं, वहां चाय पी सकते हैं, बहुत अच्छा होटल है वो, तो उसने होटल खोला वहां पे। तो जी ये ख्याल था मेरा कि रोजगार कैसे बढ़ जाएगा। और शेखपुरा लीजिए गांव, वहां मैं जब नीचे आया, मैंने एक आते जाके आते हुए नीचे राइट साइड में एक जूस की दुकान देखी, आप यकीन नहीं करेंगे वहां पे ब्रांडेड जूस थे जो शायद आपको सिटी में भी दस्तयाब नहीं है। मैं उतरा नीचे, मैंने उसे जूस लिया जस्ट एनकरेज करने के लिए, उसने पैसे जी नहीं जी लेना चाहिए, मैंने मैंने जबरदस्ती दिए, तो मैं इतना खुश था कि ये जूस की दुकान यहाँ खुली है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो था स्पेशली इसलिए था कि आप रोजगार को बढ़ावा दें। जब तक आप देखिए, मैं किसी को नकद पैसा तो दे नहीं सकता, न मेरे पास ऐसा कोई साधन है, न कोई ऐसा तरीकेकार है कि मैं किसी को नकद पैसा दूं या किसी को जेब भर दूं, ऐसा तो है नहीं। आपको हालात जी पैदा करने होते हैं, आपको हालात हालात पैदा पैदा करते करने, जी इस तरह से बेशक करने, हाँ इस तरह से जहां से रोजगार उभर के आ जाए। जी, तो ये ये यही सवाल टूरिज्म हमने कहा डायरेक्टर टूरिज्म और से भी दूसरी पूछा था कि जो ये अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि वहां पे एक रेस्टोरेंट था, एक जूस कॉर्नर था, तो वो जज्बा उनमें अगर खुद को रोजगार देने का आया, क्योंकि वहां पे गिने चुने 10-15 एग्जैक्टली लोग गुजरते होंगे, तो उन रस्तों को एक्सप्लोर करने के लिए कोई हिम्मत तब करेगा जब उनको कोई बताएगा कि वो रस्ते हैं जो शायद टूरिज्म का काम है, मगर एज एन एमएलए, एज अ मिनिस्टर, उनको डेवलप करने के लिए उनकी सड़कों का, उनके और बाकी एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करने का जो अपॉर्चुनिटी है वो आपका काम है। एक और सवाल जो हमारे माजरीन से यहाँ पे आया है कि आप बार बार बाबा ऋषि, बाबा ऋषि, बाबा ऋषि की दरगाह के बारे में बात कर रहे हैं, हाजी सैयद मुराद रहमतुल्ला की कल दरगाह पे डायरेक्टर टूरिज्म गए भी थे खुद से, तो पिलग्रिम टूरिज्म की बात अगर हम करते हैं, कश्मीर सूफी कल्चर को प्रमोट करता है और बारामूला खसूसी तौर पे गुरुद्वारास, मंदिरों के लिए, मोनेस्ट्रीज के लिए और ज्यारतों के लिए बहुत बहुत फेमस रहा है, और ओवरऑल कश्मीर में भी अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी जगहों पे ये सब जो ये लोगों के क्या कहेंगे उनको, उनके रिलीजन के या उनकी श्रद्धा के या उनके दिल के करीब जगहें हैं जहाँ पे वो जाना पसंद करते हैं वो हैं, तो आपने इस एस्पेक्ट में इनकी डेवलपमेंट में कुछ किया हो एज अ मिनिस्टर, एज एन एमएलए? नहीं देखिए, मैं बताऊंगा आपको कि अभी आप मेरे हिसाब से उस स्टेज पे हैं जहां पे आप इन जगहों को डेवलप कर रहे हैं, अभी इनको जोड़ने और फिर पिलग्रिमेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए फिर वो कैंपेन चलाना जाना ताकि लोग आके एक चेन बन जाए, अभी मुझे लगता है वहां नहीं पहुंच पाए हैं। जैसे आप आकरी की जियारत शरीफ को ले ले लीजिए, अभी उसमें काम और होना बाकी है, या बाकी जगहों पे जो जियारते हैं उन पे भी कई कई जगहों पे कई सारी फैसिलिटीज नहीं है। अभी हम इस स्टेज से ही गुजर रहे थे कि कहाँ कहाँ डेवलप करना है ताकि फिर आप एक मैपिंग करके पूरी तरह से, शायद ये सरकार कर रही हो मुझे मालूम नहीं है, आई डोंट नो दैट, मे बी कर रही हो, किसी को भी फिर मालूम आप नहीं है, उसकी मैपिंग करके, नहीं मुझे मालूम नहीं, ऑनेस्टली मुझे मालूम नहीं, हो सकता कर भी रहे ऑनेस्टली हो, किसी को इवन मालूम यहां नहीं है, बैठे क्योंकि बैठे मैं सबको आप, जो होता है दिल्ली में हाँ टेबल पे बैठ के होता होगा, यहाँ हाँ पे तो हमें एंड में पता चलता है, तो अभी फिलहाल बिकॉज इट्स नॉट इन हाँ पब्लिक डोमेन। अभी हाँ कह नहीं सकते हैं कि खामखा क्रिटिसिज्म भी नहीं करना अच्छा नहीं है, बुरा है। तो जब ये मैपिंग हो जाएगी या फिर एक अलाइनमेंट बनेगा इनका, एक रूट बनेगा इनका, उसके बाद आप इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम शायद उस स्टेज नहीं पहुंच पाए हैं। यही हम इसी स्टेज से हम आगे गुजर रहे थे, जैसे हम असेंबली में भी बैठते थे, मुझे याद है मैंने असेंबली में, मुझे नहीं लगता ज्यादा मैंने कभी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की हो, बाकी मेरे साथियों ने भी, बिकॉज वो हम
क्योंकि मैं समझता हूं कि जब आप रेडियो से या टेलीविजन से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मुतालबा करते हैं तो आप किससे करते हैं? आप अपने आप से करते हैं, क्योंकि लोग जब वोट देते हैं वो अपना जिम्मेदारी आपको सौंप देते हैं। और फिर मैं अगर बेसित एमएलए, मैंने कभी मुतालबा नहीं किया ना रेडियो से न टेलीविजन से ना अखबार से, इवन मैंने असेंबली में भी मुतालबा नहीं किया, क्योंकि उसकी जरूरत आनी नहीं पड़ी क्योंकि हम काम करते थे। हाँ, एक जी दो बार स्ट्रेटेजिकली, दो तीन बार स्ट्रेटेजिकली मुझे कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात इश्यूज के एतबार से करना पड़ी ताकि नीचे भी गड़बड़ ना करे, कमिटमेंट ले लो, वो कर दी। हाँ, असेंबली में जब बैठते थे हम, एक बड़ा ऐवान है, लोगों के नुमाइंदे होते वहां पे, वहां यूजुअली हम जैसे फाइनेंस हो, प्लानिंग हो, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल हो, जो पुराने महकमे हैं, पीएचई सेक्टर हो, खासतौर से पीएचई तो लोकलाइज सेक्टर है, यहाँ स्कीम बनी वहां बनी, इरिगेशन जो आपका ये सदियों पुराना है, दरिया झेलम आपका पता नहीं कब से है, तो फ्लड्स जब आते हैं तो वो आपकी सरहद नहीं देखते हैं, इसी तरह से आपका फॉरेस्ट है, इसी तरह से आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, एपिकल्चर, ये सारे जितने डिपार्टमेंट्स हैं, हम सब लोग असेंबली में इस पे बात करते थे। जब ग्रांट्स होते थे, जब मिनिस्टर साहबान जब ग्रांट्स पेश करते थे, पूरी तरह से हम अपनी बात करते थे वहां पे। और आपको मैं बता दूं, हक बता दूं, कि बहुत सारी बातें वो सुना भी करते थे, इनकॉर्पोरेट भी करते थे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ क्या क्रिटिसिज्म और ये नहीं होना चाहिए, बट सभी क्रिटिसिज्म, ऐसा नहीं होना चाहिए, सुनते भी थे, क्योंकि जब मैं जी अपोजिशन में था, जब मैंने काम किया, तो मैं उन तमाम मिनिस्टर साहबान का शुक्रगुजार हूं, आज आपके जरिए भी करूंगा, आपके तवसुत से, जो अपोजिशन में था मैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी कोई बात नहीं टाली और हमने सारा जो चाहा वो किया। हाँ, बहुत सारी चीजें जो होती हैं जो से आप सरकार में करते हैं, जैसे मुफ्ती साहब को लाके मैंने अनाउंस करवा दिया केबल कार, ये शायद मैं अपोजिशन में नहीं कर पाता, ऐसी चीजें डेफिनेटली हो जाती हैं, जहां या हाईगाम निगली तार जो अथॉरिटी बनाई हमने, तो शायद अपोजिशन में नहीं पॉसिबल था, लेकिन सरकार में कर लिया, लेकिन ऐसा भी नहीं है, ये साझा मामला होता है, हमने काम किया। अब ये है कि कौन सा नुमाइंदा है, उसका इदराक क्या है, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसके जो लोगों की जी नफ्सियात है उस पर, उस नंबर्स पर हाथ है कि नहीं है, या उसने खुद से क्या सोचा है। मिसाल के तौर पर आप पानी की डिमांड कर सकते हैं, ठीक है, आप सड़क की भी डिमांड कर सकते हैं, आप दवाइयों की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन आप किसी इलाके में अचानक से टूरिज्म की डिमांड नहीं कर सकते, ये क्या है, एब्सोल्युटली ये चीज। हाँ, ये इट इज बियॉन्ड डिमांड, जो जैसे मैंने सोचा टूरिज्म के एतबार से कि टूरिज्म होना चाहिए, लिंक करेंगे, दिस इज बियॉन्ड डिमांड, ये एक इस दायरे से बाहर की बात है ये, तो हमने सोचा इसको हम कोशिश करके गुलमर्ग का फायदा उठाया जाए, बुटपत्री का जी फायदा उठाया जाए, ताकि हम इसको कर दें। तो सब लोग कोशिश करते हैं काम करने की, कोई कम कोई ज्यादा, और कई कम सारे होते भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, जैसे मैं इतने प्रोजेक्ट्स टूरिज्म की बात की आपसे, मुकम्मल अभी हुए नहीं, अभी पाए तकमील को पहुंचे नहीं, जी कुछ अधूरे हैं, कुछ हो रहे अभी हैं, इसी तो पे अगर जब आप हम कह 10 माह रहे भी हैं जी जी बशारत साहब, जब हम लोग बात कर रहे हैं कि टूरिज्म बनाया नहीं जा सकता, टूरिज्म क्रिएट नहीं किया जा सकता, ऑप्शंस आपके पास रिसोर्सेज होंगी, आप आइडिया दे सकते हैं। हमारे कश्मीर में, श्रीनगर में लेक्स, डल लेक बहुत ज्यादा फेमस है दुनिया में, और वहां पे भी बहुत तरह की एक्टिविटीज रहती हैं, हाउस बोट्स हैं, शिकारा राइड्स हैं, मोटर बोट्स हैं, और लोग टूरिस्ट आता है। वुल्लर लेक जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, अलपथर लेक है, मानसबर लेक है, तो इनके अगर हम सम अप करें जल्दी से, तो कैसे कह सकते हैं कि मतलब ये कितना फेमस हुए हैं टूरिज्म एक्सपोजर के हिसाब से? अभी तो अगर मैं वुलर की बात करूं, वहां पे एक वुकमा अथॉरिटी है, मुझे एग्जैक्टली उसका पूरा फुल फॉर्म याद नहीं, वो शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो वुकमा, हम जब मिले थे तो हम तब फॉरेस्ट मिनिस्टर थे जयराम रमेश जी, हमसे मिलने भी गए वुकमा के दरबार से, और उन्होंने हमारी, हमने मीटिंग कर ली उनसे दिल्ली में, उन्होंने हमारी बहुत सारी बातें सुन ली, मान भी ली, लेकिन मुझे लगता है कि जो वुकमा को करना था अभी तक वो कर नहीं पाए हैं, या उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या उनके इतने इतने जराया नहीं कर पाएंगे, मेरे हिसाब से वो सिर्फ अथॉरिटी ही है, वो काम अभी पूरी तरह कर नहीं पाई है। हाँ, मानसबल धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, मानसबल में बहुत काम हुआ है, अभी होना बाकी है, वो हो रहा है। वुलर के एतबार से अभी मैं मुतमइन इसलिए भी नहीं हूँ कि उसमें बहुत सारे एरियाज आते हैं, जैसे बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट है, इधर से बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, तो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी हैं, लेकिन उसको और अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, अभी वो एक्सप्लोर इस तरह से नहीं हुआ है,
इसीलिए हमने कोशिश की थी ना कि वुलर म्युनिसिपल अथॉरिटी, वुलर म्युनिसिपल अथॉरिटी पर हमारी हाईगाम अथॉरिटी, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके ये करना चाहते थे एक्सप्लोर। जहां तक डल की बात है, आप हैरान हो जाएंगे, मैंने एक दिन असेंबली में एक अपने वजीर साहब से कहा, क्योंकि इसने सवाल पूछा था, उसकी देखरेख देखा जाए, जो मैं गलत अगर बोलूंगा तो मुझे लोग माफ करें, उसकी देखरेख हाईकोर्ट के अंदर है, हाईकोर्ट ही उसका देखती है, बहुत सारी चीजें करती हैं, सरकार से पूछती हैं। तो सवाल जब पूछा तो जो वजीर थे हमारे, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार कितना जवाब दोगे, कहा क्यों, मैंने कहा हाईकोर्ट से ही पूछ लेते हैं क्या हुआ, क्योंकि अजीब सा सिलसिला है वहां पे। हाईकोर्ट की नीयत खराब नहीं है, विद ऑल रिगार्ड्स टू ऑल ऑफ देम, उनकी नीयत खराब नहीं है, लेकिन सवाल ये कि हाईकोर्ट अपनी देखरेख करता है, जवाबदेही सरकार की होती है, हमारी जवाबदेही हाईकोर्ट के पास भी है और हाईकोर्ट की गाइडेंस में काम होता है, लेकिन जवाब ऐसे बढ़िया सरकार देती है। इट इज सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, क्योंकि मुझे लगता है कि जब से हाईकोर्ट ने भी लिया तब से भी कोई ज्यादा जमीनें वापस नहीं आई आपकी डल लेक की, या तब से भी कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आप ये कहते कि हाँ हमने 100% में से 30% वापस पानियों को हासिल कर लिया, ऐसा भी नहीं है। सो अगर देखा जाए तो मैं उस हिसाब से भी मुतमइन नहीं हूँ, खुद से भी नहीं और बाकियों से भी नहीं, क्योंकि इन चीजों में आपको मैं एक बता दूं बात कि आपको लिहाज नहीं करना है। मैं एक जगह पे सड़क बना रहा था तो एक मेरे क्लास फेलो को दीवार हटाना थी, तो काफी देर तक नहीं हटाई, तो बाकी जितने लोग थे उन्होंने कहा कि जब ये क्लास फेलो इसका दीवार नहीं हटा रहा तो हम क्यों जमीन छोड़े वाइडनिंग करने के लिए। मैं बड़ा परेशान हो गया, तो मैंने अपने एडब्ल्यू साहब और तहसीलदार साहब से कहा कि कल सुबह जाएंगे आप वहां पे इस दीवार को 9:30 बजे हटाएंगे और मुझे फोन करेंगे। डन, सुबह 9:30 बजे, ये मैं आज राज बता रहा हूँ आपको, आपने याद दिलाया मैं किस तरह से काम करना होता है। तो 9:30 बजे उन्होंने फोन किया, जनाब हम पहुंच गए। मैंने कहा काम शुरू, कहाँ शुरू, मैंने फोन ऑफ कर दिया और मैं चला गया चश्मे शाही 2 दिन के लिए। इट वॉज सैटरडे एंड संडे मैं वहां बैठा, मंडे को मैं वापस आया तो वो साहब मेरे पास आए उसी वक्त जब मैं घर पहुंचा, तो कहा जनाब इस तरह हो गया। मैंने उसका शुक्रिया किया, मैंने कहा आपने इतना जबरदस्त काम किया, अल्लाह ताला आपको जन्नत में जगह देगा इंशाल्लाह, आपने जो ये हटा दिया, वो सड़क का कुशादगी की इजाजत दी आपने, मैं आपका शुक्रिया तो कर ही नहीं पाऊंगा ना, इसमें अल्लाह ताला की वजह है और आप इसके लिए मिशाल राह बन सकते हैं, बाकी भी आपकी तरह ऐसा करेंगे। यानी मैंने उस साहब को ये बताने दिया ही नहीं कि जनाब कल वहां पे तहसीलदार साहब आए थे या हमारे एडब्ल्यू साहब आए थे, उन्होंने मेरी दीवार गिर दी, मैंने उसे कहने नहीं दिया, मैंने उल्टा उसका शुक्रिया अदा किया और उस शुक्रिया में वो इतना महव हो गए कि अपने चाय पी ली वो चले गए, उसको ये बताने नहीं दिया। सो कभी कभी आपको आंख बंद करके अवाम की बहबूदी के लिए ऐसे काम करना पड़ता है। एक दिन एक और चीज क्या हुई, एक दिन मैंने अपने एक साथी को गिरफ्तार करवा लिया मैंने पुलिस से, उसने रुकावट डाली थी, मैंने गिरफ्तार करवा लिया, फिर छुड़वा भी दिया उसको मैंने, लेकिन मैसेज ये भेजा कि ये एमएलए के साथ चलता है जब भी ये गिरफ्तार हो गया, क्योंकि इसने रुकावट डाली। इसी तरह से अगर श्रीनगर में लोग, शहर के लोग या बाकी जो इतने सारे लेक्स हमारे हैं या वाटर बॉडीज हैं, जहां पे अगर वो भी सियासत का लिहाज ना करेंगे, और सियासत जो होती है उसमें बहुत सारी परेशानियां होती है, लिहाज होता है, वोट का मामला होता है, कभी कभी आप बंद करके काम भी करना पड़ता है, अल्लाह मालिक, अगर आपकी नीयत साफ है तो खुदा मदद तो करता ही करता है। तो इसलिए शायद आने वाले वक्तों में, क्योंकि मुझे लगता है बिनीश साहब कि आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत चैलेंज है, क्योंकि सियासी एतबार से बहुत सारी चीजें बदल गई। अब इन वाटर्स जो मड़ी वाटर्स हैं, इनमें किस तरह से आप नेविगेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे और नीयत साफ रखेंगे और लोगों को धोखा नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, जितना हक है हक बोलेंगे, मुझे नहीं लगता कोई मारेगा सच बोलने में। जैसे अगर मुझसे कहीं कोताही हुई होगी या मैं कहीं काम नहीं कर पाया होगा, मैं कह दूंगा नहीं हो पाया, मुझसे माफ कर दीजिए, मैं झूठ बोलने की क्या जरूरत है। तो अगर हम ये नहीं कर पाएंगे, हालात बहुत आगे पेचीदा है क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। अल्लाह हम सबको अपने अमान और हमारे वक्त की कमी है। अब जाने से पहले आपसे आखिरी एक सवाल पूछना चाहेंगे, शाजिया साहब पूछना चाहती हैं कि कोई कोई ऐसा प्रोजेक्ट रह गया हो टूरिज्म का संग्रामा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आप चाहते थे एज ए मिनिस्टर कि आप फुलफिल करते, मगर हमारी सरकार नहीं रही तो उस वजह से वो रह गया, कोई करीबी दिल अजीज आपका कोई प्रोजेक्ट था टूरिज्म के हवाले से? कौन पूछ रहे हैं?
who's asking? साहिबा। हमारा इरादा था जो सुरंज है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि नकपति में हम केबल कार लगाना चाहते थे, उसके बाद बांडीवाला का जो स्ट्रिप है नीचे सारा आपका नौगाम कंडी तक, हम हमारा इरादा था उसमें हम पूरे में टूरिज्म का कर देंगे, क्योंकि फिर सड़कों की बात आई, फिर हमने हमने ऊपर एक सड़क बनाई दुधबुक से लेकर टीवा शाह और बांडीवाला तक, वो इस एरिया तक पहुंच पाती है, तो हमारा इरादा था हम उस पूरे स्ट्रिप को टूरिज्म के तहत लाएंगे। और हाँ, हमने ये एक और बात की थी, मुझे लगता है हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिखा था सरंस के लिए, क्योंकि वो फॉरेस्ट जमीन है, कोई 150 कनाल ट्रांसफर करने के लिए, ताकि हम ये सारे काम कर सकें, वो भी अधूरा रह गया। इसी तरह से रिंगली का 3 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो सैलाब की नजर हो गया, वो भी अधूरा रह गया। बहुत सारी चीजें अधूरी हैं, अभी अभी हुआ क्या, अभी काम शुरुआत ही हुई अभी। जी बिल्कुल। अब हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पे है, तो आप ही के बहुत अच्छी गुफ्तगू रही है और हमारी ऑडियंस बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, मगर क्योंकि जैसे आपने ही कहा कि आज हम सिर्फ टूरिज्म सिलेक्टेड बात करते, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कश्मीर की आवाम को स्पेसिफिकली कि टूरिज्म को वो खुद अपने पर्सनल लेवल पे अगर प्रमोट करना चाहें, क्योंकि टूरिज्म जैसे आप ही ने कहा कि प्लान करके नहीं हो सकता और हो भी सकता है, अगर वो खुद से हिम्मत करें तो अपने लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक जरिया बना सकते हैं या कुछ ऑप्शंस अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज की, क्योंकि कश्मीर इज अ स्टेट जो जन्नत बेनजीर जरूर है, अगर बहुत से हालात मौसम सैलाब पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की वजह से बहुत ऊंच नीच रही है, तो आपका क्या मैसेज रहेगा हमारे लिए जाने से पहले? एक चीज में अल्लाह ताला का शुक्र है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं, चाहे वो घोड़े बान हो, जो होटलियर्स हो, रेस्टोरेंट ओनर्स हो, आपके सिलेज वाले हो, आपके टूरिस्ट गाइड हो, मेहमान नवाजी में तो कोई कुछ जवाब नहीं है। आप जब भी देखिए कोई टेलीविजन, तो जब कोई बाहर का आता है कि तो बड़ा मजा आ गया, लोग बड़े अच्छे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जी एक डिसिप्लिन की जरूरत है और ब्रांडिंग की जरूरत है। कि जितना सपोज अगर आप कहीं रेडीमेड लगाते हैं चाय बनाने के लिए, चाय शानदार बननी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से बहुत सारे, आप यकीन नहीं करेंगे बिनी साहबा, कि मेरे पास कंडी इलाके हमारे के इतने सारे लड़के आते हैं और इतनी सारी खूबसूरत आइडियाज बताते हैं वो, फिर इंसान सोचता है कि मेरे पास अरबों रुपए हो तो मैं ये आइडियाज अमल अमल में लाऊं और इसको जमीनी सतह पे अमल आए और जी बनाए कुछ। एक ही चीज है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि फैसिलिटीज क्रिएट करने की जरूरत है, जो जिसको जैसा चाहिए। जैसे अगर पिलग्रिमेज टूरिज्म की बात कर रही है, तो जब इस तरह के लोग आएंगे जो किसी मंदिर में जाएंगे या किसी गुरुद्वारे में जाएंगे या किसी जियारत पे जाएंगे, ठीक है, उसके लिए आपको अलग से एक माहौल की जरूरत है, जाहिर सी बात है। अगर आप गुलमर्ग में जाएंगे घोड़े बानी के लिए तो अलग अलग आपका मिजाज है, अगर आप जी वाटर स्पोर्ट्स के लिए जाएंगे तो मिजाज अलग है, अगर आप जियारत पे जाएंगे तो मिजाज अलग है। तो इसमें जो हमारा ये एक्सक्लूसिवनेस होनी चाहिए हर जगह की अलग अलग से, इसमें लोगों को भी इसका ध्यान रखना चाहिए, उस सरकार को तो रखना ही रखना चाहिए, लेकिन लोगों के लिए बड़ा लाजिम है। जैसे बाबा ऋषि हम परसों गए, कुछ परसों नहीं जी, मीन्स महीना डेढ़ मतलब महीना कुछ दिन पहले पहले। जी, बाबा ऋषि गए हम, कुछ एक अपने एक अपना कजिन है, उनकी महफिल थी वहां पे, तो गए, तो वहां पे बहुत सारी दिक्कतें देखी मैंने, क्योंकि जो जो एहतराम लाजिम होना चाहिए, जो तरीकेकार होना चाहिए, जो साफ सफाई होनी चाहिए, मुझे कम लगी, तरीकेकार में भी मुझे फर्क लगा। तो इसके लिए हमें हर एतबार से, हर चीज के लिए अलग अलग मिजाज जो है उसके एतबार से आगे बढ़ने की जरूरत है, और एहतराम तो सबका लाजिम है, वो तो है ही, लेकिन हर से कि लगे कि मैं जियारत करने आया हूँ, लगे कि मैं वाटर स्पोर्ट्स के लिए आया हूँ, लगे कि मैं मछली पकड़ रहा हूँ, सब माहौल भी लगना चाहिए। जी, और वो माहौल जो है वो यहाँ के लोकल लोग जो है खुद क्रिएट कर हाँ सकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल सफाई बिल्कुल का, मेजबानी का और अपने इखलाक का ख्याल रख के। बशारत साहब, जी आपका बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ गुफ्तगू करके बहुत मजा आया, और मैं यकीन से कह सकती हूँ जितने ये मैसेजेस आ रहे हैं सब ऑडियंस भी बहुत मजे से आपको सुन रही थी और आपसे सवाल पूछ रही थी। समय वक्त की कमी की वजह से आज के लिए इतना ही रहेगा, और उम्मीद है कि हम बशारत साहब को दोबारा स्क्रीन पे दोबारा दावत देंगे और उनसे पॉलिटिकल डिस्कशंस भी करेंगे, जिनके जवाब आज हमने नहीं दिए हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं था, जी टूरिज्म के हवाले से था। आज के लिए इतना ही व्यूअर्स, आप हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब, ट्विटर, वेबसाइट और हमारे सिस्टर कंसर्न कश्मीर क्लानियर को जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज।
when you're